नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 22 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, SSC, रेलवे, MPPSC, व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। विश्व की सबसे धनी महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका उत्तर है लिलियन बेटन कोर्ट। अगला है, भारत की प्रथम सचिव इनम गंभीर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को क्या संज्ञा प्रदान की, तो टेररिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र के 6वें संस्करण का हाल ही में जिस शहर में शुभारंभ हुआ, तो इसका उत्तर है जयपुर। नेक्स्ट है दोस्तों, वह देश जिसके राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में सबसे पहले नई परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किए, तो वह देश है ब्राजील। अगला है दोस्तों, हाल ही में जिस नदी के विश्लेषण हेतु नौका पार प्रयोगशाला की शुरुआत की गई, तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। जिस देश के साइक्लिस्ट ने 78 दिनों में विश्व के चक्कर लगाकर पिछले गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। किस टेलीस्कोप ने धूम केतु जैसी विशेषताओं वाले अनोखे बाइनरी एस्टेराइड को खोजा है, तो इसका उत्तर होगा हबल। किस देश के अहिंसावादी लोगों ने गांधी जयंती के अवसर पर फॉलो द महात्मा नामक एक अनूठा अभियान शुरू करने की घोषणा की, तो वह देश है नीदरलैंड। पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार की संपत्तियां फ्रीज करने के आदेश जारी किए, उन पर आरोप है पनामा गेट। किस देश में विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया गया, वह देश है चाइना। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट में किस देश की क्रेडिट रेटिंग को दूसरी बार घटाने की घोषणा की गई, तो वह है चीन। जिस कंपनी ने ताइवान की कंपनी HTC के स्मार्टफोन कारोबार को 1.1 अरब डॉलर डॉलर में खरीदने का निर्णय किया, तो इसका उत्तर है गूगल। हाल ही में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या, तो 50 देश। हाल ही में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या, तो 50 देश इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे में शामिल किया गया अत्याधुनिक कोच इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, तो वह मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय। भारत की वह दिग्गज कंपनी जिसने हाल ही में प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बदलने हेतु प्रस्ताव मंजूर किया, तो वह है टाटा सन्स। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही अपने चैनल पर 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।